चलिए रुक करने थे अगली बड़ी खबर की हो। ये बड़ी खबर आपको बता दें, आज हरियाणा के दौरे पर रहने वाले हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। कल प्रधानमंत्री मोदी दो विशाल जनसभाओं को संबोधित करके गए हैं और आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरियाणा दौरे पर। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, करनाल में प्रबुद्ध लोगों से संवाद करेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे कैथल में। सीएम सैनी और पूर्व सीएम मनोहर लाल भी साथ में मौजूद रहने वाले हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज हरियाणा दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कैथल में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। करनाल में प्रबुद्ध लोगों से संवाद भी करेंगे बीजेपी के अध्यक्ष। एक निजी होटल में कार्यक्रम है जहां प्रबुद्ध लोगों से मुलाकात करेंगे, संवाद करेंगे और साथ में सीएम नायब सैनी पूर्व सीएम मनोहर लाल भी उनके मौजूद रहने वाले हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि करनाल विधानसभा क्षेत्र में जो उपचुनाव होना है वहां से उम्मीदवार हैं सीएम सैनी और करनाल लोकसभा सीट से उम्मीदवार हैं पूर्व सीएम मनोहर लाल। तो करनाल में किलेबंदी को मजबूत करने के लिए आज जेपी नड्डा करनाल पहुंचेंगे और एक निजी होटल में कार्यक्रम है, प्रबुद्ध लोगों से समाज के वहां पर संवाद करेंगे और कैथल में चुनावी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महत्वपूर्ण कार्यक्रम बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। मनोज बलिक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। मनोज, क्या कुछ ज्यादा जानकारी, जेपी नड्डा आज पहुंचने वाले हैं, कितने बजे का कार्यक्रम? बिल्कुल, देखिए आज 10 बजे का समय रखा गया और कैथल के जो सुनाना गेट है रामली का मैदान है वहाँ पर एक बड़ी जो रैली है उसका आयोजन किया जाएगा और उसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा वहाँ पर पहुंचेंगे। उसके साथ साथ बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वहाँ पर पहुंचेंगे और बता दें कि जो कार्यक्रम रखा गया है लगातार जो चुनाव का प्रचार जो लगातार तेज होता जा रहा है उसी के साथ साथ बता दें कि मुजफ्फरपुर लोकसभा के बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी नवीन चंदन के पक्ष में वोटों की अपील भी की जाएगी। इसके साथ साथ जो नाराज वर्ग है उनके साथ में एक मीटिंग की जाएगी और उसके बाद जो संबोधन है वहाँ पर संबोधन भी किया जाएगा और 10 बजे का समय रखा गया है। हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता है जो वो वहाँ पर पहुंचेंगे और आपने जो बात करें जो कार्यकर्ता है वो शुरू हो चुके हैं और नवीन जिंदल के साथ मिलकर जो बात करें वोटिंग को लेकर वोट की अपील को लेकर भी आज एक बड़ी जनसभा का आयोजन होगा जिसमें सीएम नायब सैनी भी यहाँ पर संबोधन करेंगे। इसके साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। काफी जो जी बिल्कुल मनोज, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे दो जगह पर, विशाल जनसभाएं करके गए और आज कैथल में जेपी नड्डा यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। किस तरह के विशेष इंतजाम किए गए हैं और क्या कौन सी जगह पर ये रैली होनी है? बिल्कुल देखिए, तेनाना गेट का स्थान यहाँ पर निर्धारित किया गया है और रामलीला जो मैदान है वहाँ पर एक बड़ा पंडाल है वहाँ पर लगा दिया गया है। बात करें तो पुलिस सुरक्षा द्वारा भी जो एहतियात है वो बरत ली गई है, सभी जो तैयारियां पूरी कर ली गई है। हर तरफ से बात करें नाकेबंदी कर दी गई, लगभग 15 से 20 जो नाके हैं वहाँ पर लगा दिए गए हैं और जो सीसीटीवी जो कैमरे हैं वो भी वहाँ पर लगा दिए गए हैं। उनके द्वारा ही जो भी कार्यकर्ता की बात करें या कोई भी शादी तत्व है उनके ऊपर भी जो निगरानी रखने का कार्य जो पुलिस प्रशासन द्वारा है वो किया जाएगा और जल्द ही 10 बजे का समय रखा गया है जहाँ पर जेपी नड्डा वहाँ पर पहुंचेंगे। उनके स्वागत के लिए जो हजूम है, बात करें हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता वहाँ पर उनके विचार सुनने के लिए वहाँ पर पहुंचेंगे। जी चलिए, आप नजर बनाए रखिएगा मनोज, और फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो आज हरियाणा के दौरे पर रहने वाले हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, कैथल में चुनावी जनसभा और करनाल में प्रबुद्ध लोगों के साथ संवाद।